हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम गैंगटॉक के बारे में पढ़ेंगे। गैंगटॉक पीस है, ये लेसन नंबर 11 है, ठीक है। गैंगटॉक पीस है, गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी है और एक ये बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यहाँ पे क्या क्या खूबसूरत जगह है, क्या देखने लायक जगह है, यहाँ का मौसम कैसा रहता है, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ देखने के लिए, ये आइए हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी है। यह समुद्र तल से 5,813 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की प्रकृति सीढ़ी नुमा खेत, झोपड़ी नुमा मकान और बहते झरने से ही इसकी खूबसूरतता बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है, हरियाली है, चारों तरफ फूल ही फूल है, हरियाली है और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है। तो जो झरने हैं वहाँ बहुत ही ज़्यादा झरने हैं, पहाड़ों के बीच में से झरने बहते रहते हैं और वहाँ के जो मकान है वो इतने खूबसूरत मकान है, तो जिसको देख के इतना अच्छा लगता है। और वहाँ का मौसम हमेशा ही ठंडा मौसम रहता है और वो इतना खूबसूरत है हरियाली के कारण और झरने के कारण वहाँ का मौसम हमेशा ही बहुत खूबसूरत रहता है, ठीक है। विकासशील भारत के पर्यटक स्थल पर हो, आप जब गैंगटॉक जाओगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि आप सबसे खूबसूरत जगह विश्वशील भारत के पर्यटन स्थल पे खड़े हो, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत जगह है जहाँ पे आप जाके ऐसा महसूस करोगे कि आप सच में स्वर्ग में आ गए हो। वहाँ की चौड़ी सड़कें, 8-10 मंजिले मकान, बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें होती है वहाँ पे, 8-10 मंजिले मकान होते हैं और वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध रहता है। वहाँ के जो निवासी है, निवासी स्वस्थ प्रसन्न दिखाई देते हैं। वहाँ के जो निवासी है वो हमेशा फ्रेश और हमेशा सुस्त बुस्त दिखाई देते हैं। अप्रैल से अक्टूबर का जो महीना होता है वो घूमने लायक महीना होता है, क्योंकि उस मौसम में ना तो वहाँ ज़्यादा ठंडी होती है ना गर्मी होती है, गर्म कपड़े पहनने की जरूरत नहीं होती और इतना सुहाना मौसम होता है। तो ये जो मौसम है अप्रैल से अक्टूबर का महीना, आप बहुत आराम से वहाँ घूम फिर सकते हैं क्योंकि गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं होती। वहाँ अगर आप रेल मार्ग से जाओ तो वहाँ का जो निकटतम रेलवे स्टेशन है उसका नाम है न्यू जलपाईगुड़ी, और अगर वायु मार्ग से जाओ तो वहाँ एयरप्लेन से जाओ तो वहाँ का जो निकटतम रेलवे हवाई अड्डा है उसका नाम है बागडोगरा, ठीक है। ये आपको फिंगर बैंक से फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। यहाँ मार्च और अप्रैल के सीजन में फ्लावर शो होता है, यानी कि पुष्प प्रदर्शनी, बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर, क्योंकि वहाँ की प्रकृति इतनी खूबसूरत है, पहाड़ी है, झरने हैं, वहाँ का मौसम हमेशा ही बहुत सुहाना रहता है। तो वहाँ पे पुष्प यानी कि फ्लावर शो बहुत, तो इस महीने में वहाँ पे फ्लावर शो होता है और बहुत खूबसूरत फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, ऐसे फ्लावर्स जो हमने कभी ना देखे हो। वसंत मौसम में यहाँ पहाड़ी ढलानों के जंगल फूलों से लद जाते हैं। वहाँ की जो पहाड़ी है और जो जंगल है वो वसंत महीने में फूलों से ढल जाते हैं, ठीक है। यहाँ खुद पालरी झील, घने जंगल और ऊंची पहाड़ियाँ सौंदर्य का बेजोड़ नमूना है। जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पे बहुत खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, घने जंगल हैं जो वसंत के मौसम में फूलों से लद जाते हैं, पहाड़ी है, जंगल है, वो सारे फूलों से लद जाते हैं और ये जो नज़ारा देखने का मजा ही कुछ और है। अगर इस समय पे आप वहाँ पे जाओ, यानी कि कौन से समय पे जाओ, अप्रैल से अक्टूबर का समय, तो इतना खूबसूरत समय होता है, इतना सुहाना मौसम होता है, अगर आप वहाँ जाओ तो आप उस मौसम का आनंद बहुत अच्छे तरीके से, सुहाने तरीके से ले सकते हैं। यदि इस झील में एक भी पत्ता गिर जाए तो वहाँ के जो पक्षी हैं वो क्या करते हैं, तुरंत ही उस पत्ते को अपनी चोंच से बाहर निकाल लेते हैं। कहीं ना कहीं यही एक कारण है जो वहाँ की झील और का पानी इतना साफ सुथरा रहता है, उसे जरा भी गंदा नहीं होने देते हैं।
ठीक है। दूसरा, यहाँ तिब्बती भाषा और रिसर्च सेंटर है, रिसर्च स्थान भी है। यहाँ बुद्ध धर्म से रिलेटेड, यहाँ बुद्ध धर्म से संबंधित 200 अत्यंत प्राचीन वस्तुएं भी सुरक्षित रखी गई है। यहाँ पे तिब्बती और संस्कृत की पांडुलिपियां भी है। ये वहाँ पे जो स्थान है वहाँ पे ये सारी चीज़ों को बहुत सुरक्षित तरीके से रखा गया है। हमारे आपके जैसे लोग वहाँ पे जाते हैं घूमने फिरने, और वहाँ जाके इन सारी चीज़ों को देखकर ही हमें समझ में आता है अपने पुराने संस्कृति के बारे में। ठीक है, नाथुला दर्रा सिद्ध है, यह वह स्थान है। नाथुला दर्रा प्रसिद्ध है, यह वह स्थान है। ध्यान से सुने, यह वह स्थान है जहाँ 1962 में भारतीय सैनिकों ने चीन सैनिकों को पराजित किया था। और इस लेसन के बारे में जितना मुझसे बना, मैंने इसकी खूबसूरती के बारे में, गैंगटॉक की खूबसूरती के बारे में आपको वर्णन किया है। और ये बहुत खूबसूरत जगह है, अगर आपको कभी मौका मिले तो आप भी जाइए, इस खूबसूरत जगह का आनंद लीजिए। धन्यवाद।